भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ एक ऐसा नाम जिसके लिए समय समय पर बॉलीवुड का दिल धड़कता है, क्योंकि बॉलीवुड वाले जानते हैं कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग क्या है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि किस तरह अक्षय कुमार को पवन सिंह की ज़रूरत पड़ी। तो आप अगर पवन सिंह को इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं पवन सिंह अपने इंस्टा पर किसका प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म बेल बॉटम का, जी हाँ, जिसके मुख्य किरदार हैं अक्षय कुमार, वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी। जी हाँ, इसकी पूरी शूटिंग यूरोप में हुई है और इस पूरी फिल्म को कंप्लीट किया गया पूरे इस पेंडेमिक में। इस फिल्म को पूरी तरह से कोविड-19 के पेंडेमिक में पूरी तरह से इस फिल्म को कंप्लीट कर लिया गया है और ये पूरी फिल्म इंडिया में फिल्माई भी नहीं गई है, ये पूरी फिल्म यूरोप में फिल्माई गई है और इस फिल्म का ट्रीज़र रिलीज़ हुआ है। आपको बता दें कि पवन सिंह के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जैकी भगनानी और उनकी प्रोडक्शन की ये मूवी है और पवन सिंह अपने दोस्तों का साथ देना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस फिल्म का ट्रीज़र रिलीज़ हुआ है, ट्रीज़र को अच्छा रिस्पॉन्स मिले इसलिए पवन सिंह ने अक्षय कुमार की फिल्म को अपने इंस्टा अकाउंट पर प्रमोट किया है और साथ ही अपने फैन से अपील की है कि उनके इस फिल्म को ओटीटी पे, क्योंकि ये ओटीटी पे ही रिलीज़ होगी। आजकल ओटीटी का फैशन है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं और सभी जो अच्छे कॉन्सेप्ट की होती हैं उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। हाल ही में ओटीटी पे बॉबी देओल की आश्रम रिलीज़ हुई और उसे भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन बात हम अभी बेल बॉटम की करेंगे। तो आपको बता दें कि पवन सिंह यारों के यार हैं, जैकी भगनानी उनके दोस्त हैं, साथ ही अक्षय कुमार से भी उनके अच्छे रिलेशन हैं। इस कारण पवन सिंह अपने फैंस को ये अपील कर रहे हैं कि उनकी इस फिल्म का ट्रीजर ट्रेलर और जब फिल्म रिलीज होगी तो भी देखें। इस वक्त बॉलीवुड का क्या हाल है आपसे छिपा नहीं है। सुशांत वाले कांड के बाद बॉलीवुड पूरी तरह से धाराशाही हो चुका है, बड़े बड़े नाम की फिल्में चल नहीं रही हैं। अब ऐसे में सहारा तो उन्हें प्रांतीय कलाकारों का लेना ही पड़ेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।